वक्त का एडवांटेज लिया कि मेरे माँ बाप भी मुल्क से बाहर थे और जो कजन्स थे वो इतने शायद मच्योर नहीं थे या उनको इतना इल्म नहीं था. तो उस शख्स ने फिर मेरे साथ जो है वो उस वक्त यू नो जो भी ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन वो माँ बाप मेरे 2 हफ्ते तक नहीं थे तो ये चीज़ जारी रही. और फिर उसके बाद जब वो आ भी गए उस वक्त भी वो बहुत बोल्ड हो गया था और ये चीज़ जारी रही. और उसके साथ मगर जब मेरी अम्मी आई वापस तो पता नहीं मेरे में हिम्मत कहाँ से आई, मैंने जाके अपनी अम्मी को बता दिया. और जब मैंने अपनी अम्मी को बताई ये बात तो ऑब्वियसली मेरे माँ बाप तो एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने फौरन इस चीज़ के ऊपर तवज्जो दी और पुलिस में उसको पुलिस के हवाले करवा दिया उसको. और उसको पुलिस के हवाले करवाने से ये एडवांटेज ये हुआ कि एक और हमारे नेबर्स के अंदर भी एक बंगाली कुक था, वो भी उस बच्ची उनके घर की बच्ची के साथ भी यही हरकतें हो रही थी. अच्छा. तो वो भी पकड़ा गया और फिर उसको उन्होंने डिपोर्ट करवाया. आई थिंक वो चला गया, मैं बल्कि ये बात अभी मुझे पता चली अम्मी से कि उसको डिपोर्ट किया. और मगर ये कि उससे उस वक्त उस जमाने में कि कितने साल हो गए इस बात को ये बातें करते नहीं है. सो समझ मुझे भी नहीं आई उस वक्त, ना मुझे समझाया गया कि वो क्या रहा है. सिर्फ मुझे ये पता था कि बुरा हो रहा है और उसके लिए उसके साथ उसको अब मैं उससे तो बच गई हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये बात की नहीं जाती. तो यही बोला गया कि अब इसके बारे में आपने चुप रहना है और बिकॉज ऑफ सोसाइटी एंड खानदान की इज्जत और ये और वो. इनफैक्ट मेरी अम्मी सफर्ड नर्वस ब्रेकडाउन, उनको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया इस किस्से के बाद क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पाई, वो बहुत अपसेट थी. लेकिन उनका जो नर्वस ब्रेकडाउन भी है उसको भी ये समझते हैं समझा जाता है कि इसको भी छुपाना है कि ये वजह क्या है. एग्जैक्टली, आई थिंक ये तो समझते होंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगर आपको एक मेंटल इलनेस भी होती है जो कि क्योरेबल होती है उसका भी किसी को पता नहीं चले खानदान में और लोगों बाहर बात ना जाए इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको उधर ही रखना पड़ता है कि जी खानदान में, तो किसी ने इस चीज की बात ही नहीं की. अब उस किस्से की वजह से हम तो चुप रहे 28 साल तक चुप रहे उसके बारे में. जब मैं कनाडा गई और मेरी शादी हुई और जब मेरी शादी ना कामयाब नहीं हुई और उस शादी में मैंने उस मैरिज में 5 साल की मैरिज थी, 2 बच्चे थे मेरे, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी मैं अपने मियाँ की अब्यूज़ टॉर्चर. तो उस वक़्त मैंने कहा कि ये और मेरी काफ़ी ज़िंदगी जो थी ना अनस्टेबल थी, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ ज़बरदस्त. तो मैंने उस वक़्त फिर काउंसलिंग सीक आउट की. उस वक्त तक मेरी इतनी अवेयरनेस हो गई थी क्योंकि मैं बैठ के ऊपर विनफ्री के शो देखती थी, टॉक शोज देखती थी वगैरह. तो उस वक्त मुझे अवेयरनेस हो गई थी कि और उनके साथ भी ये हो चुका था और उनकी कहानी मेरे सामने थी तो मुझे ये फील हुआ. तो मैंने जब काउंसलिंग की तो मुझे उस वक्त तक समझ आ गई थी कि ये सारा कुछ और जो मेरी पर्सनल लाइफ ख़राब है और जो मैं एक हस्बैंड के साथ बर्दाश्त कर रही हूँ, इतनी स्ट्रांग औरत हूँ, प्रोफेशनल लाइफ में इतनी स्ट्रांग हूँ, इतनी कामयाब हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल लाइफ ख़राब है क्योंकि मैं एक तो बर्दाश्त कर रही हूँ कि वो मुझे मेरे साथ जिस तरह की उसकी हरकतें थी अपने मियाँ की. तो उस वक्त मुझे ये बात समझ आई और मैं काउंसलिंग के लिए गई और उन्होंने कहा कि जी आपको तो बात समझ आ गई है तो यू डोंट नीड एनी काउंसलिंग. बट ये बात उस वक्त आई थिंक मैं 34 की थी, ठीक है, जब ये बात वापस बाहर निकली. जब ये बात वापस बाहर निकली और मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में जो अनस्टेबिलिटी थी वो कहाँ से आ रही थी. वो कहते हैं कि आपका जो कुछ भी आपके साथ बचपन में होता है, आपको कोई पीटे भी और आपके साथ जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट करता है. पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हम इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते. उस वक्त मैंने फिर, अब मेरी बहन छोटी थी मुझसे, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि मेरे साथ किस्सा हुआ था. उसको पता था
उसने भी मुझसे बात नहीं की थी क्योंकि हम सब कुछ चुप 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 बैठे हुए थे. उस वक्त मेरे फादर की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन मैंने फिर अपनी अम्मी से कन्फ्रंट किया और मैंने कहा अब इस चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ये मेरी डिवोर्स हो रही है और ये मेरी रिलेशनशिप सफर कर रही है, या अगर मेरे में बहुत ज्यादा गुस्सा है या मेरे में बहुत ज्यादा एम्बिशन है, तो ये सारा कुछ कहीं और से निकल के आ रहा है. मेरी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मैं अपने आप को शेमफुल समझती हूँ, मैं अपने आप को डर्टी समझती हूँ, और मैं समझती हूँ कि अगर मेरे साथ कोई गलत हरकत कर रहा है तो ये मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें इट गोज बैक टू द बचपन एंड द किस्सा. और आप लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की, बल्कि मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा आपकी अगर आपको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है. आपके अगर नर्व्स नहीं हैंडल कर पाए तो अब आप मेडिसिन लेती हैं, आप उसका आपने खुद जाके अपने आप को स्टेबल किया है. लेकिन ये सब ये चीजें जो हैं हमारी सोसाइटी में कोई बात नहीं करता, कोई बात नहीं और कोई क्यों नहीं. और फिर उस वक्त से ये चीज मेरे दिमाग में थी कि ये किस्सा मुझे इतना अफेक्ट किया. फिर उसके बाद मैंने बात करनी शुरू की. लेकिन आपको अब क्या रिस्पांस मिला अब जब आपने बात करनी शुरू की? अब नहीं, मैंने अपनी दोस्तों से, करीब दोस्तों से बात करनी शुरू कर दी थी. बिकॉज आई, और उस वक्त से मुझे पता चलना शुरू हुआ कि सबके साथ ये हो रहा है. अब मैं इतनी सरप्राइज हो गई कि इतना ज्यादा है ये पाकिस्तान में. और आप यकीन करें, आपके स्टेटिस्टिक्स तो कहते हैं कि गरीबों में ज्यादा होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा आपकी सोसाइटी, इलीट सोसाइटी में भी होता है. और मुलाजमीन जहाँ पे नहीं, रिश्तेदार अच्छा. सबसे ज्यादा तो आपको आपके जो सबसे करीब लोग होते हैं, जो भी जिनसे भी मैंने बात की है, और वही जिनको आप ट्रस्ट करते हैं. हाँ. और मैं ये कह दूंगी, सबसे ज्यादा आपके मौलवी साहब, सबसे ज्यादा आपके नौकर, सबसे ज्यादा आपके कजन्स या भाईजाद, भाई और स्टेप फादर्स, इस तरह के जो लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, जिनको आप ट्रस्ट करते हो, उनसे सबसे ज्यादा होता है खतरा होता है जी. मैं तो फिर भी लकी थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी बात सुन लिया और मुझे बिलीव कर लिया. और आप में हिम्मत आई कि आप ये बात कैसे कह सकी, क्योंकि अम्मी के साथ मेरी रिलेशनशिप, अबू से तो बहुत डर लगता था. ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम अपने माँ बाप से इतना डरते हैं. हमें कहा आगे से बात नहीं करो, बड़ों को क्वेश्चन ना करो, तो आप बोल ही नहीं पाते किसी. अच्छा, प्रिया जी, आपको उसने अटेम्प्ट किया था? उसने कैसे, उसने आप जबरदस्ती की थी? डरा के. अच्छा, और क्या डर था? डर तो बस यही होता है ना कि आपकी फैमिली का ही डर होता है, राइट? आपके माँ बाप वहाँ नहीं है इस वक्त, और आपके बहन भाई हैं, छोटे बहन भाई हैं, मैं तो बड़ी थी. तो उस चीज से उसने मुझे ज्यादा वो किया था. मैं वैसे भी उस वक्त, अभी तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, उस वक्त मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था. तो मैं वैसे ही वो डरी हुई बच्ची थी उस वक्त, तो मैं उस वक्त डर गई थी बहुत. ठीक है, तो उस डर को उसने यूज करते हुए, और फिर डराते भी हैं कि आप आगे से बोलेंगे नहीं, आपको मार देंगे या आपके माँ बाप को मार देंगे. सबसे ज्यादा तो बड़ी धमकी ये देते हैं आपको कि आपको मार देंगे, आपके माँ बाप को मार देंगे, आपके बहन भाइयों को हर्ट करेंगे. तो आपको इतना डर होता है कि आप आगे से कुछ कर ही नहीं पाते. बिल्कुल सही. अच्छा, इजाजत दीजिएगा कि हम इस बात को थोड़ा सा अपने इस तरफ लेकर आए. ये घर घर का किस्सा है. इन्होंने हिम्मत की है कि इन्होंने इसके बारे में आवाज बुलंद की है. And we must appreciate कि आपको बताइए ना कि आप रिलेट कर सकती हैं इस बात से. हम लोग इससे डरते हैं, कहते हुए कि हाँ हम रिलेट कर सकते हैं, हमारे साथ भी जिंदगी में क्या किसी, हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक में तो सफर नहीं कर सकते. आप वहां पर जाएं तो कोई इधर से हाथ लगाता है, कोई उधर से हाथ लगाता है, कोई इधर से छूने की, बाजार तक तो जा नहीं सकते. आप जाएं तो कोई इधर से आपको टच करके गुजरने की कोशिश, होता है कि नहीं होता है? ये बहुत छोटी किस्म है जहाँ पे खातून को हरास किया जाता है, उसे तंग किया जाता है. वो बढ़ते बढ़ते उसका स्केल जो है वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है. डॉक्टर साहब, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये जो लोग हमारे आसपास हैं, अब हम इसके बारे में क्या करें? माँ बाप को क्या करना चाहिए, किस अंदाज में अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, और बच्चे जो है कैसे ये ट्रस्ट लेवल डेवलप हो सके कि वो बात करें? देखिए, कई पहलुओं से बात करनी पड़ेगी. कुछ बुनियादी बातें हैं कि हमारे यहाँ हर चीज को कारपेट के नीचे रखना बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता है, हत्ता के डायबिटीज जैसी बीमारी भी लोग छुपाते हैं. हाँ जी. और दिल की बीमारी भी छुपाते हैं. तो नफसियाती बीमारियां
और ये जो अब्यूज का जो डोमेस्टिक वायलेंस है, यहाँ आधी से ज्यादा खवातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है और उनके अपने वालदेन को पता नहीं होता क्योंकि वो बताती नहीं है, और ये शर्म की बात समझी जाती है कि मेरा खामद मुझे मारता है, हालांकि ये शर्म की बात खामद के लिए। और जो मैं ब्लंट बात करूंगी, हमारे यहाँ पर ना कुछ इलाकों में आप जाए तो बड़े नामवर जागीरदार लोग होते हैं फरिया जी, और छोटे छोटे बच्चे उनके साथ होते हैं, बिल्कुल ठीक है, और उस इलाके में उस मर्द की बड़ी इज्जत होती है कि ये खान है, ये मलिक है, ये साहब बड़े हैं, उनकी बड़ी सी गाड़ी है और उन्होंने एक बच्चा साथ रखा हुआ है। और ये बच्चे रखने का ये जो कॉन्सेप्ट है, आज हम बच्चों के ऊपर चूंकि बात कर रहे हैं, इसको मुआशरे में उस शख्स को बुरा नहीं कहा जाता, उस बच्चे को सारी जिंदगी मुआशरे में मुकाम नहीं मिलता। अगर उसने सर्वाइव करना है तो उसका सर्वाइवल इसी में कि उसी मलिक, उसी खान, उसी बड़े बंदे के साथ जो भी वहां का कोई है उसके साथ वो एक बचुंगड़ा बन के रहे, और ऑब्वियसली वो उसको सेक्सुअली अब्यूज कर रहा होता है। अच्छा, कुछ हार्ड फास्ट रूल्स हैं। पहली बात ये है कि जिस मसले को आप छुपाएंगे उस मसले को आप हल नहीं कर सकते, ये तय है। और लोग इस बात को नहीं समझते, लोग कहते हैं कि नहीं, मसला हमारा छुपा भी रहे और इसका कोई हल भी निकल आए, लेकिन जब आप मसले को छुपा रहे होते हैं तो शेम होती है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है। जब आप शेम में होते हैं तो आप रिट्रीट कर रहे होते हैं, पसपा हो रहे होते हैं, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे होते, तो आप मसला कैसे हल करेंगे? ठीक है, दूसरा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि लोग अच्छे या बुरे इस बुनियाद पर नहीं होते कि वो आपके साथ रिश्तेदार हैं, वाकिफ हैं, या शक्ल से अच्छे हैं, या पढ़े लिखे हैं, या नमाज पढ़ते हैं, मजहबी हैं, दाढ़ी रखी हुई है, तो इन बुनियादों पर कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। कारा है, गोरा है, और किसी किस्म का है, मशहूर है, ज्यादा हमारे घर में आता है, हम इत्तबार करते हैं, तो कोई भी रिश्तेदारी जो है वो किसी को अच्छा नहीं बनाती। बहुत करीबी रिश्तेदार बहुत क्रिमिनल हो सकता है, और बहुत दूर का कोई